जी एक सवाल ये है कि क्या बड़े जानवर में सात हिस्से होते हैं तो हम अकीका और कुर्बानी एक साथ कर सकते हैं, या जो हजरात हमारे साथ शरीक हो रहे हैं और अपने बच्चों के अकीका करना चाहते हैं तो क्या हुक्म है, कर सकते हैं? जी सवाल समझ गया होंगे कि क्या एक बड़े जानवर में जब सात हिस्से होते हैं तो कुछ लोग अकीका करवा रहे हों और कुछ लोग कुर्बानी के लिए से हो, तो क्या ऐसा करना मुमकिन है, की जा सकती है? तो यकीनन अकीका और कुर्बानी जो है एक जानवर में की जा सकती है, बड़े जानवर में सात हिस्से होते हैं। अगर एक हिस्सा अकीके के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं, अकीका और कुर्बानी किया जा सकता है, ठीक है ना, अकीका और कुर्बानी एक साथ किया जा सकता है जब एक बड़े जानवर में सात हिस्से होते हैं, ठीक है ना, सात हिस्से होते हैं और सात अलग अलग लोग शरीक होकर के कर सकते हैं। तो पांच हिस्से कुर्बानी कर लिया जाए और एक हिस्सा अकीका कर लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, या इसी तरीके से एक एक जो है सात हिस्से होते हैं तो एक कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए और तीन हिस्से लड़के हैं, तीन लड़का है तो तीन लड़कों को दो दो एक एक हिस्से में आ जाएगा, ठीक है ना, तो छह हो जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। अकीके के कुर्बानी के जानवर में अकीके की नियत की जा सकती है और कबूल है, कोई एतराज की बात नहीं है, कोई शरीर से हटकर की बात नहीं है, बल्कि कुर्बानी के जानवर में अकीके की नियत भी की जा सकती है, दुरुस्त है, बिना कराहत जायज है।